नमस्कार, आप देख रहे हैं शौर्य भारत और मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। अभी हम खड़े हैं पटना के होटल मौर्या में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की गई थी और इस बैठक में राष्ट्रीय जनता दल के तमाम आला पदाधिकारी, तमाम तरह के लोग यहाँ मौजूद थे। साथ ही साथ राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मौजूद थे और तमाम विधायक, तमाम विधान पार्षद के सदस्य यहाँ मौजूद थे। उन्होंने एक स्वर में यहाँ से कहा गया है कि जिस तरह से मोदी सरकार तानाशाही सरकार का रवैया अपना रही है, इसे बंद करना होगा। और बढ़ती महंगाई को लेकर यहाँ एक बात की गई कि बढ़ती महंगाई को लेकर राष्ट्रीय जनता दल का रुख लोगों तक, जनता तक बताना होगा कि किस तरह से मोदी सरकार पूरे कार्यकाल में महंगाई को बढ़ाएगा। और साथ ही साथ 11 अक्टूबर को राष्ट्रीय अधिवेशन की भी घोषणा की गई है कि दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन किया जाएगा और तमाम तरह के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद थे। सरकार की गलत नीतियों को जनता तक पहुँचाने की बात कही गई है राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा, नेता प्रतिपक्ष के द्वारा और साथ ही साथ तमाम अधिकारियों के द्वारा कि जिस तरह से मोदी सरकार की जो नीतियाँ हैं, जो गलत विरोधी नीतियाँ हैं, जनता विरोधी नीतियाँ हैं, उसको जनता तक पहुँचाएँ और जनता को जागरूक करें, जन जन तक इन तमाम तरह के लोगों तक पहुंचाने का काम करें। आप हमारे पीछे देख सकते हैं तमाम तरह के लोग यहाँ मौजूद हैं। पूरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है तो जाहिर सी बात है कि पूरे भारत से यहाँ कार्यकर्ता, यहाँ अधिकारी, पदाधिकारी राष्ट्रीय जनता दल के मौजूद हैं। जब गोवा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार और तमाम बिहार के वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो सदस्य वो भी यहाँ मौजूद हैं। रमई राम हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं रमई राम, जो राजद के वरीय नेता हैं, आइए हम उनसे हम बात करते हैं। सर, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की गई, किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई? आज जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक नंबर पहली मुद्दा यह है कि जो संगठनात्मक चुनाव होना है इसके लिए सदस्यता अभियान चलाई जाएगी पूरे देश में। और सदस्यता अभियान का अनुरूप जो प्रखंड से लेकर जिला और राज्य तक पदाधिकारियों का चयन चुनाव होगा, क्या चुनाव 22 अक्टूबर को होगा। 11 अक्टूबर को राष्ट्रीय अधिवेशन भी बुलाया गया है दिल्ली में। हाँ, दिल्ली में उसी में चुनाव होगा अक्टूबर में। बढ़ती महंगाई को लेकर भी किसी तरह की चर्चा की? हाँ, बढ़ती महंगाई को लेकर हम लोग को आंदोलन करने के लिए सुझाव दिया गया है और हम लोग संगठित होकर जो सरकार की गलत नीतियों का विरोध करें, सरकार जो भी दमनकारी कार्रवाई करे हम उसको बर्दाश्त करने को तैयार है। लेकिन जनहित में, लोकहित में बिहार के जनमानस के राष्ट्रीय स्तर पर जो महंगाई है, बेरोजगारी है, उसका कड़ा विरोध करते हुए संगठित कर उसके लिए संघर्ष करने की आवश्यकता है। उस सभी बातों पर विचार किया गया। तो ये थे हमारे साथ रमई राम, जो कि बता रहे थे किस तरह से ये पूरे कार्यकारिणी की बैठक में क्या क्या बिंदुओं पर चर्चा की गई, जैसा कि महंगाई और राष्ट्रीय संगठन को बढ़ाने की बात की गई है, संगठन को मजबूत करने की बात की गई है, तमाम लोगों को सदस्यता अभियान चलाने की बात कही गई है और बढ़ती महंगाई को लेकर, गलत नीतियों को लेकर, जैसा कि मैंने आपको बताया, गलत नीतियों को लेकर सरकार तक, सरकार की उन बातों को भी जनता तक पहुंचाने का भी काम करने का बात यहां किया गया है। अपने सहयोगी के साथ मैं हूं अमित खत्री, शौर्य भारत न्यूज, पटना बिहार। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिव रतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना। कुमार होम्स आए और LCD टीवी, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन और डाइनिंग टेबल जैसे ढेर सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे सर। कुमार होम्स, गुरु गोविंद सिंह पथ, चौक, पटना से।